अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपने कल देखा होगा मेरे वीडियो में, कल कितना ख़तरनाक तूफ़ान आया था और मैं उस तूफ़ान में फंस गया था। वाकई में मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था उसमें, क्योंकि चारों तरफ से है ना धूल मिट्टी और घूम घूम के आ रही थी। पूरे बाल मेरे ऐसे हो गए थे, पूरा मिट्टी मिट्टी घुस गई थी उसके अंदर, और ऊपर एक तार भी जा रहा था 11 KV का, मुझे उसका याद नहीं था, वो मुझसे गलती हुई, मैंने देख लिया अब। लेकिन उसको मैंने बाद में देखा तो मैं वहाँ से तुरंत हट गया, और बाकी वहाँ से निकलने में मुझे बहुत तकलीफ़ आई। बहुत ख़तरनाक तूफ़ान था, और उस तूफ़ान की वजह से आज मौसम तो थोड़ा सही है, लेकिन बदल हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, मतलब गर्मी का मौसम है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ चुकी है। इस साल बारिश जल्दी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तो अप्रैल ही चल रहा है और उसमें ये सब मौसम हो रहा है। रात को बारिश भी बहुत तेज़ हुई, इस वजह से आज सन्नाटा है पूरे स्टॉकों में। तो दोस्तों, आज मैं बताने जाऊंगा आपको रफ़ माल की रेट प्राइस बताऊंगा आज आपको, मैंने कभी नहीं बताई आपको, आज मैं बताऊंगा रफ़ माल की, पतले माल की रेट। तो चलो दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1.5x2 से। साइज है ये 1.5x2, ये 1.5 है यहाँ से यहाँ तक, और नीचे इसका 2 है, तो इसको बोलते हैं 1.5x2। थिकनेस है इसकी बिल्कुल 10 आनी, हमारी लैंग्वेज में हम इसको 10 आनी बोलते हैं। कटान देख लो दोस्तों, जैसे घड़ाई करेंगे ना आप वैसी ही घड़ाई होगी इसके अंदर, और ये शानदार पॉलिश होके जब घरों में लगेगा ना आपके फ्लोरिंग पे, तो इसकी बात अलग ही रहेगी। एक जैसा कलर है और एक जैसी घड़ाई होगी इसमें, ये हैंड कट ही रहेगा, इसको कारीगर घड़ेगा इसको, लेकिन पहले इस पर पॉलिश होगा, ये तो अभी रफ है। तो है 1.5x2, इसकी प्राइस है दोस्तों यहाँ पे 12 रुपये पर स्क्वायर फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 13 रुपये पर स्क्वायर फीट। एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है, ज़्यादातर बाहर ही जाता है, गुजरात वगैरह ज़्यादा जाता है और सभी जगह जाता है। तो ये क्वालिटी है, क्वालिटी देखने में लग रही है इसकी। थिकनेस देखो आप, कटान देखो, भाटे की क्वालिटी देखो, पत्थर की क्वालिटी देखो आप, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे पॉलिश हो चुका हो इस पर, इतना चिपक रहा है एक दूसरे से, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी बैंड नहीं है। थिकनेस देखो, अब आगे चलते हैं। ये भी है दोस्तों, ये भी है दोस्तों 1.5x2, और इसकी थिकनेस है 1/2 इंच, 1/2 इंच की थिकनेस है इसकी। और पता है काय में काम आता है ये, टाइल्स में भी काम आता है, और दूसरा ये काम आता है अपने टेरिस के ऊपर, टेरिस के ऊपर इसको लगाया जाता है ताकि छत नहीं टपके। इसका बहुत यूज़ होता है जिनके टेरिस वाले मकान हैं, बिल्डिंग वालों के काम की नहीं है, बाकी जिनके टेरिस होते हैं ना, खुद के पर्सनल मकान होते हैं, उसमें लगती है ये। तो इसकी रेट है 7 रुपये स्क्वायर फीट, 7 रुपये पर स्क्वायर फीट। आगे चलते हैं, यह है 2x2, ये भी 1/2 इंच, वो 1.5x2 था, ये 2x2, और ये भी ऊपर टेरिस पे काम आता है, इसको ऊपर टेरिस पे लगाया जाता है ताकि आपके छत टपकने वगैरह का कोई काम नहीं रहे। इसकी भी सेम प्राइस है, अभी इसकी करंट में प्राइस है इसकी 7 रुपये, 7 रुपये पर स्क्वायर फीट, 1/2 इंच, ये भी 1.5x2। टेबल पॉलिश के लिए, पहले टेबल पे इसको पॉलिश किया जाता है, उसके बाद में इसकी कटिंग होती है, और इसकी साइजें कटती है 16x22, 17x22, इस तरह की साइजें कटती है इसकी। थिकनेस है इसकी 0.25 इंच से 1/2 इंच, इसकी रेट है अभी 8 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो आगे यहाँ आ जाते हैं हम बड़ी साइज पर, यह है 4.5x2, 4.5 फुट इसकी हाइट है और 2 फुट इसकी चौड़ाई है,
इसको बोलते हैं 4.5। तो थिकनेस प्योर 1 इंच है सभी की, मिक्स नहीं है इसमें, एक ही क्वालिटी है और थिकनेस एक जैसी है। टेबल पे पॉलिश होता है ये 20 रुपये पर स्क्वायर फीट, इसकी रफ की प्राइस है। आगे चलते हैं, 3-2 3-2 की साइज है, थिकनेस इसकी भी सेम ही है, इसकी प्राइस है 14 रुपये पर स्क्वायर फीट। 4-2 थिकनेस वही 1.25 में, इसकी प्राइस है 17 से 18 रुपये पर स्क्वायर फीट रफ की। 3.5-2 इसकी है वही 16-17 रुपये पर स्क्वायर फीट, इनकी भी वही प्राइस है। आगे चलते हैं, ये है 2.5-2 5 फुट का बनता है एक नग, 12 रुपये पर स्क्वायर फीट, क्वालिटी है इस वजह से, तीसरी का माल है। 20 की कोई कमी नहीं और क्वालिटी की भी कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, 5-2 साइज है 5-2 22 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये 5-2 थिकनेस शानदार, क्वालिटी भी शानदार। देखो दोस्तों, मैं आपको एक मिस्टेक बताता हूँ, इसको बोलते हैं यहाँ पे दाता, ये जो लकीर है ना, ये रिजेक्ट में आती है, फ्रेश में नहीं आती है, इसलिए इसको जो फ्रेश भरता है वो इसको इस लकीर को जिस माल में जिस नग में ये लकीर होती है उसको हटा देता है, यही छाटना होता है फ्रेश वाले को। लेकिन इसको भी सेमी वाला ले जाता है, जो सेमी का काम करता है ना वो इसको भी ले जाता है, पॉलिश हो जाती है तो दिखती नहीं है, लेकिन फ्रेश वाला नहीं लेता इसको, इसको बोलते हैं दाता। माल की कोई कमी नहीं है, जबकि खाने ख़त्म हो चुकी है, कट चुकी है इस सीज़न की, लेकिन फिर भी स्टॉक पे माल है अभी, क्योंकि मौसम की वजह से भी दिक्कत आ रही है। आज जैसे काम बंद है, पानी आ गया था रात को, तूफान आ गया था, तो काम बंद है, क्योंकि लाइटें भी नहीं है, लाइटों का भी काम होता है कट लगाने के लिए, तो इस वजह से आज काम बंद है। और स्टॉकों में भी सन्नाटा छाया है, ज़्यादा गाड़ी काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है, इक्की दुक्की गाड़ी लग रही है बस स्टॉक में। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास, वहाँ पर बैठ के हम करेंगे गपशप। तो प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।